चूल्हों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी का ये शेर केरल के नव नियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आरिफ मोहम्मद खान स्वतंत्र पार्टी बीकेडी, कांग्रेस, जनता दल, बीएसपी और बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों में रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है और राजनीति के जानकार मोदी सरकार के इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। 1972-73 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट से लेकर 2019 में केरल के राज्यपाल नियुक्त होने तक उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, फिर चाहे वो पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो। मुस्लिम समाज सुधारक माने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने जहां ट्रिपल तलाक बिल और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का पुरजोर समर्थन किया था, तो वहीं शाहबानो केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फैसले की मुखालफत करते हुए सत्ता को लात मार दी थी। इसी तरह 2004 में बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो बीजेपी से किनारा कर लिया। बीजेपी से किनारा करने के बाद भी आरिफ मोहम्मद खान ट्रिपल तलाक बिल और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरिफ मोहम्मद खान समेत 5 राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले में मुहर लगाई। इन 5 राज्यपालों में सबसे महत्वपूर्ण केरल के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए आरिफ मोहम्मद खान माने जा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को मुस्लिम समाज सुधारक के तौर पर जाना जाता है, शायद इसीलिए मोदी सरकार ने उन्हें केरल जैसे राज्य का गवर्नर नियुक्त कर मास्टर स्ट्रोक चला है। दरअसल वामपंथी सरकार द्वारा शासित केरल में इस्लाम धर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। केरल में वामपंथी और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम ईसाइयों का तुष्टीकरण कर रही है। मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी, उन्हें कट्टर बनाने, केरल में मुस्लिम युवाओं को कट्टरता सिखाने वाले स्कूल खुलने जैसी खबरें अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती जा रही हैं। इस्लाम के नाम पर युवाओं को उकसाने वाले भाषण दिए जाते हैं और ऐसे भाषण देने वालों को हीरो की तरह दर्शाया जाता है। केरल में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 साल में करीब 10,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, 2016 में केरल के करीब 20 लड़के गायब हो गए थे, बाद में जिनके आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की खबर आई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में 98 मुस्लिम पुरुष और बच्चे आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो चुके हैं। केरल के मुस्लिमों की साक्षरता दर काफी ऊंची है और ऐसे में इनके अंदर कट्टरता भरना मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब था। ऐसे में मुस्लिम समाज सुधारक की छवि रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान का केरल का राज्यपाल नियुक्त होना मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गौरतलब है कि ये वही आरिफ मोहम्मद खान हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर शाहबानो केस में राजीव गांधी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो ने ट्रिपल तलाक के बाद अपने पति से मुआवजा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे मुस्लिम नेताओं के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया। आरिफ मोहम्मद खान शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में थे और राजीव गांधी सरकार के इस फैसले के विरोध में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया था। I'm fortunate to be born in a country like India, which is so vast and so rich in diversity. So it is a great opportunity for me to know this part of India, which forms the boundary of India, and which is called God's own country. It's a very beautiful place. It is described, as I told you, it is described as God's own country. Great people, great state. Sir, also if you talk about Jammu and Kashmir, the Article 370 has been abrogated from there. So what your take on it, sir? You know, I have made this point many times earlier,
that 370, as it was enacted in 1953-54, as it was enacted, that article in that form does not exist, did not exist till it was abolished. So you you have been appointed as the governor of Kerala. So sir, what you have to say on it, sir, more about it? Well, this is an opportunity to serve. I was born in UP. I'm fortunate to be born in a country like India, which is so vast and so rich in diversity. So it is a great opportunity for me to know this part of India, which forms the boundary of India, and which is called God's own country. It's a very beautiful place. It is described, as I told you, it is described as God's own country. Great people, great state. Sir, also if you talk about Jammu and Kashmir, the Article 370 has been abrogated from there. So what your take on it, sir? You know, I have made this point many times earlier, that 370, as it was enacted in 52-53, as it was enacted, that article in that form does not exist, did not exist till it was abolished.